हेलो गाइस, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय या प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनाता है ये हम देखेंगे। तो टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनाता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये हम लोग फोटो बनाएंगे, ये आपका प्लेन मिरर होगा। दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, इंसिडेंट रे हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। एक ऑब्जेक्ट से कितना रे होगा क्या था इंफिनिटी, लेकिन जब भी इमेज बनता है तो दो रिफ्लेक्शन रहे। किससे बनता, दो रिफ्लेक्शन से आपको क्या होता है इमेज बनता है, दो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो एक और एक दूसरा दो, तो कभी आपस में कट नहीं करेगा क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। तो कभी आपस में कट नहीं करेगा क्योंकि पैरेलल होगा। तो ये बैक करेगा, क्या करेगा बैक करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे के इमेज से कटने से इमेज बनता है। ये आपका हो गया इमेज और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी। तो पहले कि आप सुबह में जब उठ के आईना में देखते हो प्लेन मिरर होता है, किस तरह का फोटो दिखता है, जैसे आप है वैसे दिखता है। तो पहला सेम साइज, सेम साइज मतलब आप जिस तरह के होते हैं उसी तरह का दिखता है। दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता, मतलब जितना आप मिरर के आगे खड़े होते हैं उतना ही पीछे बनता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मतलब कि दैट इज यू इज इक्वल टू वी। तीसरा बिहाइंड, पीछे बनता है, मतलब मिरर के पीछे बनता है। तो बिहाइंड, बिहाइंड मिरर। चौथा क्या होता है, वर्चुअल होता है और इमेज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब कि काल्पनिक होता है और काल्पनिक इमेज हमेशा क्या होता है सीधा होता है। पांचवा लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या हुआ कि आपका लेफ्ट और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आप इसको लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर या इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। पहला कि सेम साइज होगा, आप जब सुबह में उठ के अपना इमेज और मिरर में फोटो देखते हो तो जिस तरह के आप होते हो उसी तरह का दिखता है। तो सेम साइज, जितना आप मिरर के आगे हो तो इमेज उतना ही पीछे बन रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस से बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। चौथा वर्चुअल इन्वर्टेड मतलब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। पांचवा लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का अर्थ हुआ कि आपका लेफ्ट उसके लिए क्या होगा राइट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और मिरर एक दूसरे क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ऐसा संभव है। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखेंगे मल्टीपल इमेज। क्या लिखेंगे मल्टीपल इमेज, लिखेंगे नंबर ऑफ मल्टीपल इमेजेस इज इक्वल टू, इसको बेटा लिखेंगे नंबर ऑफ मल्टीपल इमेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मल्टीपल इमेज इक्वल टू 360 बटा थीटा माइनस 1।
360 थीटा माइनस 1, मतलब मान लीजिए कि दो मिरर एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, क्या है 90 डिग्री पे है, तो कितना इमेज बनाएगा, तो थीटा की जगह क्या आएगा 90 डिग्री, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 360 बटा 90 माइनस 1, 3 4 जा 4 माइनस 1 3, टोटल का इमेज बन जाएगा 3 को इमेज बनाएगा, मतलब 160 डिग्री 90 डिग्री पे हुआ तो 3 को इमेज बनाएगा, अगर 60 डिग्री पे होगा तो कितना बनाएगा, तो n इज इक्वल टू 360 बटा 60 माइनस 1 6 5, अगर 60 डिग्री पे होगा तो इमेज कितना बनाएगा 5 को बनाएगा, क्या बनाएगा 5 को बनाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए इसको मिटाते हैं, एट व्हाट एंगल, क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल शुड द टू मिरर बी प्लेस्ड सो दैट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज 14, तो देख रहे हैं कि दो मिरर को कितने डिग्री पे रखा जाए कि 14 को इमेज बनाए, तो गिवन क्या दिया हुआ है n इज इक्वल टू 14, तो फॉर्मूला से क्या होता है, वी नो दैट, वी नो दैट n इज इक्वल टू 360 बटा थीटा माइनस 1, ठीक है, n इज इक्वल टू कितना 14, तो 14 इज इक्वल टू 360 बटे थीटा माइनस 1, यानी कि 14 ये आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 360 बटा थीटा, तो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 360 बटे थीटा, तो या थीटा इज इक्वल टू क्या हो 360 बटा 15, 15 दूना 30, 15 चौका 60, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 24 डिग्री, यानी कि दो मिरर को 24 डिग्री पे रखोगे तब इमेज जाके कितना बनाएगा 14 को इमेज बनाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक होगा वो कैलिडोस्कोप का होगा, ठीक है, तो कैलिडोस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप क्या होता है, तो कैलिडोस्कोप ठीक है एक डिवाइस है जो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट कलर को क्या करता है प्रोडक्शन करता है, ठीक है, इसमें तीन प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, क्या होते हैं तीन प्लेन मिरर्स लगे होते हैं और तीनों प्लेन मिरर्स एक दूसरे के से 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं, कुछ इस तरह का फोटो आएगा, और एक ट्यूब में पैक होता है, क्या होता है एक ट्यूब में ही पैक होता है, और इस डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो अगला क्लास में पढ़ेंगे कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप, फिर थोड़ा सा टॉपिक होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। थैंक यू।